अस्सलाम वालेकुम। हम ये डेटाबेस मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें पीएम सीरीज की बुक है ये आपको मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी। और इसके हम चैप्टर्स की ये जो स्लाइड्स हैं आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम्स। इसका ये कंटेंट है जिसमें हम ये सारी जो है पढ़ेंगे, सारे पहले डाटा इन्फॉर्मेशन, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह। इस पार्ट में आपको डाटा इन्फॉर्मेशन और डाटा प्रोसेसिंग के मुताबिक मिलेगा। फिर हर स्लाइड आपके पास पूरे चैप्टर की मिल जाएंगी इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले डाटा से शुरू करते हैं कि डाटा क्या होता है। ठीक है, डाटा बेस का पहला बात ही यही है ना, डाटा। तो डाटा देखते हैं क्या होता है। डाटा जो है ये वर्ड है प्लूरल में, प्लूरल में है। इसका किसका प्लूरल है? ये डेटम का प्लूरल प्लूरल है। ठीक है, यानी कि एक डेटम का मतलब है अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सिंगल पीस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या कोड। ठीक है, डेटा जो आ जाता है उसमें मल्टीपल पीसेज आ जाते हैं। ठीक है, यानी अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो कोई पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन के मुतालिक डाटा हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, किसी इवेंट या कोई और कोई ऐसी चीज दैट इज सिग्निफिकेंट इन अ सिस्टम, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन अ सिस्टम। ठीक है, डेटा मे बी इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, नंबर्स की सूरत में भी हो सकता है, इमेजेस भी, इमेजेस डेटा भी मौजूद होता है। इसके अलावा साउंड की सूरत में भी हो सकता है, यानी वॉइसेस की सूरत में, जो म्यूजिक डाटा नहीं आता आप लोगों के पास, जो म्यूजिक आप लोगों ने स्टोर किया होता है वो भी डाटा ही होता है ना, तो इस सूरत में भी हो सकता है, या वीडियोज यानी मूवीज वगैरह की सूरत में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में डाटा हो सकता है। और ये मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पज के लिए कलेक्ट किया जा सकता है। प्रोसेस टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, आप उस डाटा के ऊपर फिर प्रोसेसिंग की जाती है और कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट की जाती है। प्रोसेसिंग के सूरत में, रिजल्ट में आपको रिपोर्ट्स मिल सकती हैं, आप रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। चार्ट्स, चार्ट की सूरत में सारा डाटा, मत बजाय इसके कि आप वो डाटा पूरा आपके पास फिगर्स की सूरत में पड़ा हो, आप उस डाटा के ऊपर चार्ट बना लें। मुख्तलिफ चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट, कॉलमिनर चार्ट, जिससे डाटा को समझने में ज्यादा आसानी होती है, ये भी प्रोसेसिंग में आ जाता है। या फिर आप उस डाटा के वेब पेजेस बना लें। बहरहाल मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग की जा सकती है टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा इज एन इम्पॉर्टेंट एज ब्लड, जिस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा की इंपॉर्टेंस है। हमारी बॉडी में ब्लड क्या करता है? आप ब्लड से करंट और पास्ट एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं ना, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो शुगर का टेस्ट होता है। बल्कि आजकल तो एक शुगर का टेस्ट आया हुआ है, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। पिछले 6 महीने में डायबिटीज का आपकी बॉडी में क्या जो है रोल रहा है वो बता उससे पता करवाया जा सकता है, बजाय इसके कि करंट शुगर क्या है, आप पास्ट जो जो पिछले 6 महीने की शुगर का क्या स्टेटस था वो भी पता कर सकते हैं। तो इसी तरह डाटा में भी आप करंट व्यू भी देख सकते हैं कि आज इस वक्त डाटा क्या है, और पास्ट एक्टिविटीज का भी उस डाटा के जरिए पता लगा सकते हैं। ये जो खून होता है ना हमारी बॉडी में, ये सिर्फ एक खून नहीं होता, पानी की तरह नहीं होता, इसमें बहुत कुछ होता है। इस पे स्टडी किया जाए ना, हमारे जितने भी जो बीमारियों के मुतालिक जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में भी ऐसा ही होता है ना कि सारे के सारा आपकी बॉडी में इतना कुछ होता है कि उससे पता लगाया जा सकता है। ब्लड टेस्ट ही होते हैं ना ज्यादातर तो। अच्छा, हिस्ट्री रिलेटेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कब इनका राइज आया, अरूज आया और क्यों जवाल आया, ये डेटा के जरिए इन सारी चीजों के बारे में पता किया जा सकता है। और ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी मददगार होते हैं, यानी आप इनसे इन डेटा की मदद से फ्यूचर में जो डिसीजन लेने हो आप वो भी पता किया जा सकता है कि किस किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये एक, ये जिस तरह आपके सामने ये शो हो रहे हैं, ये जो एक टेबल सा नजर आ रहा है, देख के पता लग रहा है कि कुछ रोल नंबर्स हैं, किसी स्टूडेंट्स होंगे जिनके कुछ इंग्लिश, केमिस्ट्री, कंप्यूटर ये मार्क्स हैं इनके। ठीक है, ये आपके पास एक रॉ फैक्ट्स हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा है। इनको डिफरेंट पर्पजेस के लिए कलेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है ये एग्जामिनेशन के रिजल्ट हो, या हो सकता है ये अटेंडेंस हो कि इंग्लिश की 62 दिन प्रेजेंट रही है, केमिस्ट्री के लेक्चर में इतने दिन प्रेजेंट रहा है ये बंदा जो भी है सलीम। तो ये बहरहाल मुख्तलिफ तरीके का डाटा इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। अभी ये अनप्रोसेस्ड है, इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई, ये रॉ फॉर्म में है। अच्छा, दीज फैक्ट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ डाटा,
बट दीज टेक्स्ट आर यूजलेस इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में यूजलेस है, आप इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है? इट मस्ट बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन अ सिस्टम, कि सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी. अच्छा, दो तरह के डेटा होते हैं, अब ये देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा होता है जो कि होता है इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड डेट्स. जो इस सूरत में डेटा हो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं, चूंकि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स का जो डेटा होता है, क्लास स्टूडेंट्स का, उनके अंदर क्या होगा, रोल नंबर होगा. किस सूरत में होगा, नंबर्स की सूरत में, 1, 2, 3 या जिस भी सूरत में होगा. नेम्स होंगे, वो टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे. एड्रेसेस या टेलीफोन नंबर्स, ये सब कुछ क्या है, या तो न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा होगा या फिर कैरेक्टर फॉर्म में डेटा होगा. तो इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है. जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, ऐसा डेटा जिसमें क्या हो, फैक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ फोटोग्राफिक फॉर्म, जो कि तस्वीरों की सूरत में हो, या मैप्स की सूरत में हो, या साउंड यानी कि वॉइस, या आप कह लें ऑडियो की सूरत में डेटा हो, या फिर इन फॉर्म ऑफ वीडियो हो, तो वो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में ही, कॉलेज में ही अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है तो बच्चों की तस्वीरें भी तो कलेक्ट की जाती है ना, तो वो जो तस्वीरें होंगी वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म होगी. और जब आप तस्वीरें लेके उनकी सॉफ्ट कॉपी उसको किसी ना किसी डिस्क पे या स्टोरेज मीडिया पे सेव कराएं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा होगा. आजकल स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों एक साथ इकट्ठे यूज किए जा रहे हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए. वो कैसे, जब आप कॉलेज में अपना डेटाबेस में डाटा एंटर कर अगर डेटाबेस बनी हुई है आपके कॉलेज की, जब आप डाटा एंटर करेंगे तो सिर्फ तस्वीर तो नहीं करेंगे ना, उसके साथ रोल नंबर भी करेंगे, टेलीफोन नंबर्स भी करेंगे, एड्रेस भी, नेम्स भी, ठीक है? जो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी कॉलेज को डाटा आपका जिस किस्म का चाहिए होगा, आप वो सब एंटर करेंगे. तो इस तरह हमारे यहाँ आजकल इन दिनों स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह का डाटा जो है वो यूज किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा. क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में होता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन होती है, जो कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता है. इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, इट कैन बी ऑब्जर्व बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड. इसको आप इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह रहे हैं मिस्टर साकिब हैज अ वाइट कलर, तो मिस्टर साकिब का ये जो वाइट कलर प्रॉपर्टी है, वाइट कलर ये डाटा है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, डिस्क्राइब कर रहे हैं. आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप इसको जो है नंबर्स की सूरत में नहीं लिख सकते. या दिस कैट इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट इसका डाटा है कैट का, ठीक है? यानी कैट की कोई वैल्यू है, कोई प्रॉपर्टी है. इसी तरह पेंटिंग शोज सम मास्टरफुल ब्रश स्ट्रोक्स, तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है. एक और तरह का डाटा होता है जो कि होता है क्वांटिटेटिव डाटा, जिसके अंदर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन यानी नंबर्स की सूरत में डाटा दिया जा रहा होता है. इसमें डाटा को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा. डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, जिसमें काउंटिंग हो, ठीक है? जिसमें जो काउंटेड डाटा हो, आप उसको काउंट कर सकें, डिस्क्रीट ये कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ होल नंबर आते हैं, ठीक है? ओनली टेक सर्टन वैल्यूज ऑफ होल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर साकिब हैज फोर ब्रदर, ये जो फोर है ये न्यूमेरिकल डाटा है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, फोर. एंड टू सिस्टर्स, और उसकी दो बहनें हैं, ये जो टू है ना, ये न्यूमेरिकल डाटा, डिस्क्रीट डाटा है. तो ये न्यूमेरिकल तो है ही, साथ में डिस्क्रीट डाटा है. एक होता है कंटिन्यूस डाटा, जो कि डेट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, सही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, टूडे टेम्परेचर हैज इंक्रीज अप टू 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये जो 34.5 है ना, ये 34.51 भी हो सकता है, 0.52 भी हो सकता है, 0.53 भी हो सकता है, मतलब कि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस डाटा कहलाता है, ठीक है? अगर एग्जैक्ट होती यानी 34, तो फिर वो डिस्क्रीट डाटा होना था. अब जो पॉइंट्स में आ गया है, और पॉइंट के आगे आपको पता है जितना मर्जी बढ़ाई जाओ, 5.1.6, 5.1678 कुछ भी कर लो, तो बहरहाल ये क्या, ये कॉन्टिन्यूस कहलाएगा. या फिर ऐसा डाटा जिसमें रेंज बयान की जाए, जैसे द कार इज रनिंग विद स्पीड बिटवीन 80 to 100, बिटवीन 80 to 100 यानी 80 से 100 के दरमियान में कोई भी स्पीड, किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है, जो रेंज डिफाइन किया, ये भी कॉन्टिन्यूस डाटा है. यानी कुछ भी हो सकता है, आप एग्जैक्ट नहीं हो, आप श्योर नहीं हो, एक एक वैल्यू के ऊपर श्योर नहीं हो, ठीक है? अच्छा, ऑन ऑन हीटिंग दिस ऑब्जेक्ट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस अप टू 5%. अब ये देखिए, ये परसेंटेज भी आ गई है, ये भी कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा.
ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ डेटा। अब डेटा के टाइप्स देख लेते हैं, डेटा किस सूरत में हो सकता है। एक तो हो सकता है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में क्या आता है कि 0 से 9 तक के डिजिट्स, प्लस का साइन या माइनस का साइन, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट मतलब ये जो डॉट लगता है, ये डेसिमल पॉइंट आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे 7.2 है। अब ये एग्जांपल देख लें आप, जैसे ये देखें 4020, ये सारे 0 से 9 तक के डिजिट्स के दरमियान में, 0 से 9 तक के जितने भी डिजिट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से ये एक नंबर बना है, तो ये न्यूमेरिक डाटा में आएगा। ये पॉइंट वाला नंबर आ गया, डेसिमल पॉइंट वाला, इसके साथ माइनस का साइन आ गया। अगर माइनस का, वैसे तो प्लस का साइन ना लगाओ तो इट्स ऑब्वियस के इसके साथ ये प्लस पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस का साइन लगाना ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी लगाओगे तो पता है, लेकिन माइनस का साइन लगाना जरूरी होता है, ये तो मैथ्स की बेसिक्स हैं। तो बहरहाल ये इस, ये भी प्लस का साइन भी इसमें आ सकता है, जैसे ये नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्लस 62 आया हुआ है। अच्छा, अब न्यूमेरिक डाटा में भी दो तरह का डाटा होता है, इंटीजर डाटा और रियल डाटा। इंटीजर डाटा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होल वैल्यूज। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग जीरो, लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता, ये याद रखें, ठीक है। जैसे 1302 या 62 या -26, ये देखें नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। आप खाली जीरो कहेंगे वो भी इंटीजर डाटा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है रियल डाटा। रियल डाटा में ऐसी वैल्यूज जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आता हो वो रियल डाटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 15.4, 0.006 का मतलब है कि इससे पहले जीरो, अगर आप नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर आप 4.0 भी लिखते हैं तब भी ये रियल डाटा बन गया है, पॉइंट के आगे आपने कोई वैल्यू दे दी, ये रियल डाटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अल्फाबेटिक डाटा। ऐसा डाटा जिसके अंदर अल्फाबेट लेटर्स हों फ्रॉम ए टू जी, ये कैपिटल ए टू जी, स्मॉल ए बी सी, अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स में, और ब्लैंक स्पेसेस जिसमें आए, उसे अल्फाबेटिक डाटा कहते हैं। जैसे ये आपको एग्जांपल शो हो रही है कि कोई नाम या कोई, ये पाकिस्तान, एशिया, ये सब अल्फाबेटिक डाटा है। अल्फा न्यूमेरिक में दोनों अपर और लोअर केस लेटर्स, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक डिजिट्स भी आ जाते हैं इसमें, यानी 0 से 9 तक, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स जो कि आपके पास, जैसे एम्परसेंड साइन, हैश साइन, ये डॉलर साइन, इसके अलावा ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, स्टेरिक और एम्परसेंड साइन जो ऐसा होता है, ठीक है, परसेंटेज का साइन। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेटिक डाटा भी आ जाता है, न्यूमेरिक डाटा भी आ जाता है, प्लस एक और इसमें चीज इंक्लूड हो गई है, स्पेशल कैरेक्टर्स, वो भी आ जाते हैं। अच्छा, अब एड्रेस फॉर एग्जांपल कोई देना हो या डेट देनी हो, अब डेट में ये देखेंगे, आपके पास न्यूमेरिक डाटा है, ये हाइफन है यानी स्पेशल कैरेक्टर, फिर अल्फाबेटिक डाटा है, और फिर दोबारा न्यूमेरिक डाटा है। तो ये जब सारा इकट्ठा मिलके ये कंबाइन होंगे तो ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाएंगे, ठीक है। ज्यादातर हमारे जो एड्रेस होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। एड्रेस में आपके पास डिजिट्स भी आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर ये, स्ट्रीट नंबर ये, और उसके अंदर में आपके पास जो है जो अल्फाबेटिक डाटा भी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल टाउन कौन सा है या सिटी कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इमेज डाटा। इमेज डाटा क्या होता है, इमेज में चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स आ जाती हैं, ये सब इमेजेस में आ जाती हैं, चार्ट्स बनाना, ठीक है, या ग्राफ्स, ग्राफ भी आप लोग जो बनाते हैं ना, वो जो लाइन ग्राफ और वो इस तरह के, वो इसके अलावा पिक्चर्स, तस्वीरें जो लेते हैं, या फ्री हैंड ड्राइंग्स, जो फ्री हैंड ड्राइंग्स, पेंट वगैरह जो इस तरह के टूल्स में बनाई जाए, वो इमेज डाटा कहलाता है। इसको बिट पैटर्न से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बिट पैटर्न का क्या मतलब है आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं आपको ना आपके माइंड में एक इमेज क्लियर कर दूं कि इमेज डाटा को कंप्यूटर में किस तरह से सेव किया जाता है। आपने मैट्रिसेस पढ़े होंगे जो आप लोग मैट्रिक में या इंटर में पढ़ के आए हैं। मैट्रिसेस में क्या होता है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ऐसा ही होता है ना, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी जितनी भी होंगी। अब आपने तो 2x2 का मैट्रिक्स पढ़ा था, या टू से इंटर में जाके जरा ज्यादा पढ़ लिया होगा, ज्यादा डायमेंशन वाला। इमेज मैट्रिक्स ऐसा होता है जो बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है। उसमें क्या होता है, एक्चुअली आपको पता है इमेज क्या होती है, इमेज ये आपकी इमेज है, इसमें मल्टीपल छोटे 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 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, ये मैं जरा दूर दूर बना रही हूँ, ये बहुत इतने करीब होते हैं कि ये मिलके जब आपस में एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ये व्यू देते हैं ऐसे जैसे कोई तस्वीर हो, ठीक है, ये छोटे छोटे पिक्सल्स की मदद से तस्वीर बनती है। अब हर पिक्सल जो है वो मैट्रिक्स का एक एलिमेंट होगा, ठीक है,
हर ये एक पिक्सल मैट्रिक्स का एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और हर पिक्सल के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो उस पिक्सल का कलर की वैल्यू होगी, इसके अंदर कौन सा कलर है, और वो कलर नंबर की सूरत में वैल्यूज होती है, और वो वैल्यू यहाँ पे इस मैट्रिक्स के जगह पे सेव होंगे, सही है। तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो है तस्वीरें सेव होती हैं पिक्सल बाय पिक्सल, और हर पिक्सल मैट्रिक्स का एक एलिमेंट शो कर रहा होता है, और उसके अंदर क्या होता है कि हर उसकी जो वैल्यू होती है हर एलिमेंट की, वो उस पिक्सल का कलर बताती है कि किस कलर का पिक्सल है, ठीक है। तो ये बिट पैटर्न्स बोलते हैं ऐसे, बिट बिट बाय बिट, यानी कि जो इमेज डाटा है वो रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, ट्रांसमिटेड एज अ कॉन्टिन्यूस बिट, जब इसको ट्रांसमिट किया जाता है यानी कि नेटवर्क पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, तो वो कॉन्टिन्यूस बिट्स की सूरत में किया जाता है, एक साथ वो बिट्स ट्रांसमिट होती हैं। जी फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो डाटा, ठीक है। ऑडियो डाटा क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन, रिकॉर्डिंग जो हो या जो भी जो आवाज की सूरत में डाटा होता है, ठीक है। म्यूजिक हो सकता है जो कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर म्यूजिक सेव किया होता है, म्यूजिक की जो यानी गाने जो डाले होते हैं वो भी ऑडियो डाटा होता है। इसके अलावा स्पीचेस या कोई और तरह की साउंड, किसी भी तरह की साउंड, वो ऑडियो डाटा यानी आवाज कोई भी, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, डिस्क्रीट नहीं होता, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो मैट्रिक में, आप लोग पढ़ के आए हो, तो आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि साउंड कैसी होती है। किसी भी किस्म की आवाज साउंड वेव्स की सूरत में होती है, ठीक है। इस तरह से वेव्स कुछ बन रही होती हैं। अब ये वेव्स जो होती हैं ये कॉन्टिन्यूस होती हैं, ये डिस्क्रीट नहीं होती, तो इसीलिए ऑडियो डाटा हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वॉइस सिग्नल्स होते हैं इसके अंदर, इट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल। जब भी आपने इस तरह का कॉन्टिन्यूस डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव करना हो तो आप इसको पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बहरहाल वो एक पूरा प्रोसीजर है, सिग्नल प्रोसेसिंग होती है जिसके अंदर पूरा सिग्नल्स की फॉर्म में जो डाटा होता है इस फॉर्म को, एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि कंप्यूटर ने तो हमेशा डिजिटल फॉर्म में ही चीजों को अपने अंदर स्टोर करना है, ये कंटिन्यूअस या फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म में नहीं कर सकता। आपको अगर कुछ आइडिया हो चले, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव कैसे होती हैं चीजें। आपका जो कंप्यूटर होता है ना वो चिप्स की सूरत में बना होता है। अगर आपने कभी खोल के देखा हो, मदरबोर्ड भी एक चिप होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ चिप्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट पल्सेस होती हैं, ठीक है। आप कह लें एलईडी जिस तरह डायोड्स के साथ मिलके ये मुख्तलिफ पल्सेस होती हैं, सही है। ये बहुत ढेर सारी पल्सेस होती है, मेमोरी भी इसी तरह होती है, तो बहरहाल पूरा कंप्यूटर इसी तरह होता है। अगर ये पल्स ऑन हो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा हो, इट मीन्स के उसकी वैल्यू फिर वन हो जाएगी। अगर उसमें ऑफ हो कोई पल्स, इलेक्ट्रिक करंट ना हो, तो वो पल्स क्या है, वो जीरो होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑन ऑफ बिट्स या फिर जीरो वन की फॉर्म में सारा डाटा स्टोर होता है। जहां पे वन है इसका मतलब है कि पल्स ऑन है, जहां पे जीरो है इट मीन्स पल्स ऑफ है। इस तरह से सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर 0101 की फॉर्म में, यानी ऑन ऑफ की फॉर्म में सेव हुआ होता है। तो जब आपने इस तरह का डाटा, ये जो वेव्स की सूरत में डाटा है, इसको आपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो इसको 1010 की फॉर्म में लेके आना है, ताकि आप कंप्यूटर में इसको डिजिटल फॉर्म में सेव करवा सके। नेक्स्ट डाटा आ जाता है वीडियो डाटा। वीडियो डाटा क्या होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। वीडियो डाटा फुल मोशन इमेजेस होती हैं दैट क्रिएट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स। एक्चुअली होता ऐसा है कि इटसेल्फ वीडियो कुछ नहीं होती, ठीक है। वीडियो क्या होती है, ढेर सारी तस्वीरें होती हैं, ढेर सारी इमेजेस होती हैं। उन इमेजेस को कहते हैं एक इमेज एक फ्रेम होगा। जब आप उन ढेर सारी इमेजेस को एक साथ एक ही स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप उसको देखो, तो वो ऐसा व्यू देती हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा माइनर सा चेंज होता है। तो जब एक स्पीड के साथ देखो तो ऐसे व्यू देती हैं जैसे कि कोई मूवमेंट हो रही हो, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, सही है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जब एक साथ सारी तस्वीरें जो है वो जब आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वन आफ्टर द अदर देखते जाओगे, तो वो एक वीडियो की, आपको एक वीडियो की शक्ल देगी। इसलिए इनको फुल मोशन इमेजेस कहते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो तारे जमीन पर मूवी थी, उसके अंदर वो जो उसका हीरो था वो एक बच्चे के घर जाता है, वो जिस बच्चे को जरा कुछ कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, आई डोंट नो क्या होती है, लेकिन बहरहाल उसमें ऐसा होता है कि उसने कुछ डायरी बनाई होती है, और उस हर पेज के ऊपर एक इमेज बनाई होती है जो कि दूसरी के साथ रिलेट कर रही होती है,
और थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। जब वो उस डायरी को पकड़ के एक साथ देखता है तो ऐसे फील होता है जैसे कि वीडियो हो, ऐसे फील होता है जैसे कि वो तस्वीरें बोल रही हो। सही है, तो इस तरह से वीडियो डाटा सेव होता है। तो कंप्यूटर के अंदर कैसे सेव होगा, यानी वो ढेर सारी इमेजेस, जिस तरह इमेज सेव होती है उसी तरह वो सारी हर इमेज अलग अलग सेव हो जाएगी, और उनको एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक स्पीड के साथ जब चलाते हैं, जब देखते हैं, व्यू करते हैं, तो वो वीडियो की फॉर्म देती है। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय वीडियो कैमरा, वीडियो कैमरा से भी बनाया जा सकता है, कुछ एनिमेशन एप्लीकेशन या मूवी मेकर सॉफ्टवेयर, किसी से भी वीडियो डाटा क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा तो आ गया आपके पास, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा कलेक्ट कर लिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वो इंटरनली डाटा कलेक्ट भी कर सकती है, एक्सटर्नली भी कर सकती है, डाटा भी हमने देख लिया कितनी तरहों का डाटा होता है, ठीक है। जब सारा डाटा कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया, गैदर हो गया, तो वो यूजली प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता, एक खास फॉर्मेट में नहीं होता, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा होता। अभी जब हमने आपको, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, जो हमने डाटा की एग्जांपल की थी, जिसमें स्टूडेंट्स थे और उसके डिफरेंट मार्क्स थे, चाहे हो सकता है वो अटेंडेंस हो या हो सकता है मार्क्स हो, वो कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रही थी, वो था एक छोटी सी एग्जाम्पल। अब अगर कई दफा ऐसा होता है कि रॉ डाटा होता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स भरी होती हैं उस डाटा के साथ, सही है, कोई एक्सेल की ढेर सारी फाइल्स होती हैं, तो अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगी तो आपको उस डाटा को एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाना जरूरी है। कैसे लाया जाता है, बाय परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस, वेरियस ऑपरेशंस आर परफॉर्म टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स दैट गिव प्रॉपर एंड यूजफुल मीनिंग, ठीक है, जो प्रॉपर और यूजफुल मीनिंग दें। इस तरह के रिजल्ट्स लिए जाते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं डाटा के ऊपर, और फिर वो रिजल्ट में क्या देता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस डाटा विच इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल पर्पजेज एंड फॉल्ट डायग्नोसिस। फॉल्ट का मतलब है कोई जो भी एरर आ जाए तो उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको डिफरेंट टेक्निक्स के साथ प्रोसेस किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, डाटा होता है जो कि इनपुट होता है, इसको प्रोसेसिंग की जाती है। ये प्रोसेसिंग किसी भी तरीके की जा सकती है, या आगे हम देखेंगे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, और फिर रिजल्ट में हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, हम इंफॉर्मेशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये वही वाला टेबल है जो कि आपने इसको आपने कितना टेबल किया था, आपने सिर्फ और सिर्फ यहां से लेके ये कंप्यूटर तक का किया था, है ना। अब ये दो नई फील्ड्स इसके अंदर, दो नए कॉलम ऐड हो गए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये प्रोसेसिंग करने के बाद आए हैं, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये जो डाटा था, ये डाटा हमारे पास कोई मार्क्स का डाटा था, सही है। स्टूडेंट्स डाटा कैन बी एनालाइज एंड समराइज यूजिंग डिफरेंट टूल्स, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके इसको बनाया जा सकता है, इसको ग्राफिक फॉर्म में भी लेके आया जा सकता है, यानी कि आप इसका कोई चार्ट बना लें, ठीक है, या इसका कोई आप, हाँ, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट। हाँ, एक तरीका और है, आप इसको सॉर्ट कर लें, सॉर्ट का मतलब, या तो आप इसको नेम वाइज सॉर्ट कर लें कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए वाले जो ना बच्चे हैं उनका पहले आ जाए, बी वाले का बाद में आ जाए, या रोल नंबर वाइज कर लें, यानी 1, 2, 3, 4 इस सूरत में डाटा को सॉर्ट करना, या डिसिप्लिन वाइज या मार्क्स वाइज करना कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसका डाटा सबसे ऊपर हो, इस तरह से बहरहाल आपने प्रोसेसिंग की ताकि डाटा को समझने में आसानी हो। सो ये प्रोसेस डाटा नाउ गिव्स अ क्लियर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सही है, बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि ये जो टोटल मार्क्स हैं और ये जो ग्रेड है हर सब्जेक्ट का, इट मींस कि ये कोई एग्जामिनेशन रिजल्ट है। अच्छा, टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए, डाटा क्या था इसमें, डाटा था, फॉर एग्जांपल मैं ये पहला ही रिकॉर्ड ले लेती हूँ, डाटा था ये इंग्लिश केमिस्ट्री और कंप्यूटर के मार्क्स, जब आपने इनको टोटल किया, प्लस किया, इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की, इनके इनको तीनों मार्क्स को प्लस किया, तो आपको रिजल्ट में इंफॉर्मेशन क्या मिली, उसके टोटल मार्क्स, ठीक है, ये एक प्रोसेसिंग हो गई। एक प्रोसेसिंग और हो सकती है कि जब आपने ग्रेड निकालना है, डाटा क्या था इस सूरत में आपके पास, डाटा था टोटल मार्क्स आपके पास, ठीक है, ये जो आपने ऑब्टेन मार्क्स थे, जब आपने इसका ये जो इन मार्क्स में से जब आपने ग्रेड फाइंड आउट किया तो ग्रेड इंफॉर्मेशन बन गई, सही है, अब की बार डाटा टोटल मार्क्स था और ग्रेड इंफॉर्मेशन बन गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डाटा प्रोसेसिंग। अभी हमने क्या पढ़ा, डाटा, उसके ऊपर हमने कहा जब प्रोसेसिंग होगी तो वो इन्फॉर्मेशन रिजल्ट में देगा, आउटकम हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम पढ़ने लगे हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है।
डाटा प्रोसेसिंग जो है इसका मतलब है वो ऐसा प्रोसेस जो कि डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे, जिसको हम डाटा दें, ऐसा प्रोसेस जब डाटा दें और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं टू कन्वर्ट अ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन. कौन कौन से हैं? या तो आप एडिटिंग, एडिटिंग की जा सकती है, वेरिफिकेशन की जा सकती है, कन्वर्जन की जा सकती है, एक तरह के डाटा को किसी और तरह के डाटा में कन्वर्ट किया जा सकता है. सही है, अपडेशन की जा सकती है डाटा में. आपको पता है रोज रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग डाटा को अपडेट भी किया जा सकता है. वो जो प्रोसेसिंग होगी वो भी डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगी. क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कॉलेज की ले लें, तो आप अपने डाटा को आपने डिफरेंट क्लासेस में कैसे डिवाइड किया है कि कंप्यूटर की सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में, स्टैट्स के सारे स्टूडेंट एक क्लास में, या फिर फर्स्ट ईयर एक क्लास में, सेकंड ईयर एक क्लास में. क्लासिफिकेशन हो गई ना सारे डाटा की, यानी पूरे डाटा फर्स्ट ईयर की एक अलहदा फाइल बना ली, सेकंड ईयर की एक अलहदा फाइल बना ली, पहले डाटा सारा इकट्ठा था. ये जो आपने क्लासिफिकेशन की, ये एक प्रोसेसिंग की आपने. इसके अलावा रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा को, रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चर करना या रीऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, मॉडलिंग ऑफ डाटा, ये सब प्रोसेसिंग में आ जाता है. डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट्स यूज, कौन से आप प्रोसीजर और इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा प्रोसेसिंग होती है. तीन तरीके हैं डाटा प्रोसेसिंग के, एक है मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. एक एक करके सारे देखते हैं कि ये क्या है. मैनुअल का मतलब है हाथ से जो भी काम करना, ठीक है, हैंडक्राफ्टेड काम, हैंडक्राफ्टेड प्रोसेसिंग. इसके अंदर किसी किस्म की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, जो कुछ करते हैं आप हाथ से करते हैं. डाटा इज प्रोसेस मैनुअली विदाउट यूजिंग एनी मशीन और टूल. डाटा इज ट्रांसफर्ड मैनुअली, एक तो प्रोसेसिंग मैनुअली हुई, फिर ट्रांसफर भी मैनुअली हुआ, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने डाटा ट्रांसफर करना है वो भी मैनुअली, एक फाइल एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में लेके जाई जाएगी, ये भी मैनुअली हुआ. इसमें डाटा प्रोसेसिंग स्लो होती है, स्पीड बहुत स्लो है और एरर के भी चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा एरर अकर हो सकते हैं, क्योंकि इंसान के अपने हाथ का काम है, ह्यूमन एरर आ ही जाते होते हैं. पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी ऐसी जो हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्मॉल बिजनेस फर्म्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे मैनुअली डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, जहाँ पे कंप्यूटर का या किसी और चीज़ का किसी और टूल का हेल्प नहीं ली जा रही. ठीक है, मतलब अगर कोई काउंटिंग करनी है तो उंगलियों पर काउंटिंग हो जाएगी. सही है, तो सारा कुछ मैनुअली हो रहा है. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस कभी आप कहीं जाएं, वो जो अगर आप जाए ना माल रोड पे एक है, वहां पे बड़े बड़े सेक्रेटरिएट वगैरह पे, वहां पे बड़ी बड़ी फाइलों के साथ ज्यादातर काम हो रहा होता है और कमरे होते हैं बाकायदा जहाँ पे फाइलें स्टोर की जाती हैं. अच्छा, या शेख साहिब अगर हॉस्पिटल चले जाएं, वहां पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनका डाटा कंप्यूटराइज नहीं है, ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है उनका, तो वहां पे भी उन्होंने कैबिन्स बनाए होते हैं और हर पेशेंट की फाइल उसके नंबर के साथ वहां पे कैबिन्स में सारी चुनी होती हैं. सही है, वहां पे एक्चुअली इसका मतलब है मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग हो रही है. एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे कॉलेज की, बहुत आसान एग्जांपल, क्योंकि हम इस माहौल से फैमिलियर हैं, हम इस माहौल में रहते हैं, हमारा इसके साथ, इस माहौल के साथ ज्यादा जो है ना, हम इससे यूज्ड टू हैं. तो एक्चुअली होता क्या है कि आपने देखा होगा, आप लोग रोज देखते होंगे कि क्लर्क जो होते हैं कॉलेज के, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हर महीने के आखिर में पेपर पेंसिल के साथ लेके हाथ से खुद देखते हैं कितने बच्चों ने फी पे कर दी, कितने बच्चों ने फी पे नहीं की, जिन्होंने फी पे की है वो टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट हुई है, कितने पैसे इकट्ठे हो गए, और फिर उनमें से जब स्टाफ को सैलरी दी है तो बाकी कितने बच्चे, ये सारे इस किस्म की कैलकुलेशंस जो क्लर्क स्टाफ कर रहा होता है वो मैनुअली कर रहा होता है. फिर आता है मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग. मैकेनिकल में कुछ टूल्स यूज हो जाते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज की जाती हैं. वो मैकेनिकल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? टाइपराइटर हो सकते हैं या फिर कैलकुलेटर्स हो सकते हैं या कोई और मैकेनिकल डिवाइस. ठीक है, डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस से डाटा जो है प्रोसेस किया जाता है. इससे थोड़ी फास्ट डाटा प्रोसेसिंग हो जाती है और रिजल्ट काफी एक्यूरेट आते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग. मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में क्लर्क सारे काम हाथ से खुद कर रहा होता था, जो कि थोड़ा सा मुश्किल भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और दिमाग लगाना पड़ता था. जबकि कैलकुलेटर ने आके, जब मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग ने कैलकुलेटर से अगर वही काम परफॉर्म किया जाए तो वो काम बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में परफॉर्म हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. इसके अंदर कंप्यूटर्स आ गए. इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऐड हो गए.
कंप्यूटर्स के अलावा आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारी हैं, टैबलेट्स और पता नहीं क्या कुछ आ गया. अच्छा, इसमें ऑटोमेटेड मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए, यानी कि रेफर्स टू द यूज ऑफ ऑटोमेटेड मेथड्स टू प्रोसेस डाटा. सारा जो डाटा है उनके ऊपर ऑपरेशंस कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है. उस कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की इनपुट क्या होती है? कुछ डाटा प्लस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है कि उस डाटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसे करना है, किन स्टेप से, यानी एल्गो से, किस एल्गो के जरिए करना है, किन स्टेप से गुजर के ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ये इनपुट दो चीजें की जाती हैं, डाटा भी और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी. और फिर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उन डाटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है इटसेल्फ. इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन. ये बहुत फास्ट और एक्यूरेट मेथड है, बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है. एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे. जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही वो उन डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर वैसे ही रिजल्ट्स देगा. अगर आपके इंस्ट्रक्शन में फॉल्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शन में फ्लॉज हैं, इंस्ट्रक्शन में गलतियां हैं, एरर्स हैं, तो फिर रिजल्ट भी उसकी वजह से कंप्रोमाइज होगा, रिजल्ट भी उसकी वजह से आपका खराब हो जाएगा. कंप्यूटराइज एजुकेशन एनवायरनमेंट अगर देखा जाए, कंप्यूटराइज एजुकेशन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि रिजल्ट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए प्रिपेयर किए जाते हैं, बजाय इसके कि मैनुअली बैठ के किया जाए या फिर कंप्यूटर के जरिए उसके सॉरी मैनुअली किया जाए या फिर कैलकुलेटर से किया जाए. इसकी बजाय कंप्यूटर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर लिया जाता है. या फिर बैंक्स में भी अगर आप देखें तो कस्टमर्स के ज्यादातर, जहां तक मेरा ख्याल है, एनबीपी इतना ऑटोमेटेड नहीं है, लेकिन बाकी सारे अब शायद हो गया हो, बाकी सारे बैंक्स जो हैं बिल्कुल ऑटोमेटेड है. एमसीबी, एचबीएल जितने भी बैंक्स हैं उनमें भी सारी डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटराइज हो रही होती है, कंप्यूटर सिस्टम्स के जरिए हो रही होती है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर हम स्कूल की ही एग्जाम्पल लें, पहले हमने देखा स्कूल में सारा काम हाथ से उंगलियों पे गिन गिन के कर रहे हैं, वो मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग थी. फिर हमने कहा मैकेनिकल की तरफ आ जाते हैं, मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग में कैलकुलेटर्स आ गए, कैलकुलेटर्स की मदद से किया जा रहा है. अब कह रहे हैं हम तो कंप्यूटर्स के साथ किया जा रहा है बजाय इसके कि कैलकुलेटर्स या फिर हाथों से किया जाए. तो फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है, तो आप उसमें इजीली कंप्यूटर की मदद से कुछ ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जिससे आप ऐसा रिकॉर्ड, उससे आप कह सकते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड निकालो वो स्टूडेंट्स जिनकी एज इज मोर देन 18 एंड लेस देन 22, या फिर जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पास कर लिए हैं उनका रिकॉर्ड दो. अब बजाय इसके कि एक एक स्टूडेंट का आप पूरा रिकॉर्ड एनालाइज करें, इसने कितने सब्जेक्ट्स पास किए हैं, किसी में फेल तो नहीं है, आप ऊपर से नीचे तक सिक्वेंशियली चलें. कंप्यूटर ये सारा का सारा काम बहुत आसानी से मिनट्स और सेकेंड्स में कर देता है, आपको सेकंड्स में रिजल्ट मिल जाते हैं. ठीक है, बस आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है और उसको डाटा प्रॉपर प्रोवाइड करना है. अच्छा, रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. किसी एक सब्जेक्ट में आपने किसी स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं तो आप वो भी उन स्टूडेंट्स के मार्क्स देख सकते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म दीज टास्क बाय यूजिंग मैनुअल एंड मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग. अब ये सारे काम आपको मैनुअल या मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग में करने पड़े तो फिर तो एक तो ह्यूमन एफर्ट बहुत लगे, टाइम बहुत लगे, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि 1000 बच्चों के रिकॉर्ड को इस तरह मेंटेन करना. तो लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जरिए करेंगे तो ये बहुत जल्दी और आसानी से काम हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम. कुछ सिस्टम्स हैं जिनके अंदर ये इस तरह के मैनुअल फाइल बेस्ड सिस्टम, ट्रेडिशनल, और फिर हम करते करते डेटाबेस तक आएंगे कि इन सब में क्या डिसएडवांटेजेस थे, इन सब की क्या लिमिटेशंस थी कि हमें डेटाबेस की तरफ आना पड़ा, और डेटाबेस हमें क्या ऐसी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, क्या हमें बेनिफिट्स दे रहा है कि हम डेटाबेस को प्रेफर कर रहे हैं और हम ये सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं. ये सारा कुछ हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके पार्ट में, इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में. तो आज तक इस तक पार्ट में सिर्फ इतना ही काफी है.